ठीक है, लेट मी टेक योर अटेंडेंस फर्स्ट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड होमवर्क? मैम आई, मैम आई, मम्मी, ओके, वेरी गुड मैम वेरी आई, गुड वेरी गुड मैम वेरी आई। गुड 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 गुड। सो टुडे वी विल डिस्कस न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज राउंडिंग नंबर्स। ओके ओके मैम। ओके, मैम व्हाट इज द पेज नंबर? ओके वेट बेटा, आई विल शो यू, डोंट वरी। मैम। ओके, लेट मी चेक हाउ मेनी आर प्रेजेंट। 20 स्टूडेंट्स, वेरी लेस स्ट्रेंथ बेटा, आपकी क्लास में बच्चे बहुत कम आते हैं। मैम पता मैम द नहीं। पेज नंबर इज 17। 17, ओके ओके, सी यू ऑल, ओपन पेज नंबर 17। ओके ओके गुड, मैम, वी कैन ओपन। बट हमने पूरा तो कर ही लिया था एक्सरसाइज 1.2। नो बेटा, बस एक क्वेश्चन बच गया नेक्स्ट मैम। कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एस्टिमेशन। मैम यस मैम। ओके मैम, एस्टिमेशन पेज नंबर दिस सेवन। वन एस्टिमेशन। ओके मैम। सो वी विल डिस्कस न्यू कॉन्सेप्ट एस्टिमेशन। ओके, ओके मैम। ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू दीज थ्री पॉइंट्स वन बाय वन। आपको ये पता चलेगा कि एस्टिमेशन वर्ड हम यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज क्या। एस्टिमेशन और ब्रैकेट में लिख देते हैं राउंडिंग नंबर, इसी को बोलते हैं राउंडिंग नंबर। ओके चलो, सो वन बाय वन यू रीड, एनी वन ऑफ यू रीड। अलंकृता यू स्टार्ट, अलंकृता स्टार्ट, अलंकृता फर्स्ट यू स्टार्ट। यस मैम। हाँ अलंकृता रीड बेटा, फर्स्ट पॉइंट यू रीड। इंडिया ड्रू विद पाकिस्तान इन अ हॉकी मैच वाज वॉच्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 51,000। Approximately, मैम नेक्स्ट चिद्दी का it's सेक्टर्स इन approximately, द 51,000 स्पेक्टर्स इन द स्टेडियम स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स, इन द हाँ स्पेक्टेटर्स इन द स्टेडियम एंड 40 मिलियन टेलीविजन व्यूअर वर्ल्ड वाइड। ओके मैम गुड, कैन आई सेकंड? हाँ ओके चलो, मैम ओके कैन बेटा, आई सेकंड? अप्रोक्सीमेंटली 2,000 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन फाइव फाइव 50,000 इंजर्ड इन अ साइक्लोमिक साइक्लोनिक सॉरी साइक्लोनिक स्टॉर्म इन कास्टेल इन कास्टेल कोस्टल, कोस्टल 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 ओके कोस्टल, मैम हाँ कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके मैम गुड, ओके। अच्छा नेक्स्ट, चलो अच्छा रुको, अच्छा मृदुल 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 यू रीड, वेट वेट लेट मी वेट वेट, हाँ मृदुल रीड थर्ड वन। हाँ रीड बेटा, थर्ड वन थर्ड वन। ओवर 13 मिलियन पैसेंजर आर केयर्ड ओवर 63,000 कैरीड, कैरीड आर कैरीड, कैरीड ओवर 63,000 किलोमीटर रोड ऑफ रेलवे ट्रैक एवरी डे। कैन वी से दैट देयर बस ओके, स्टॉप 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 स्टॉप, आप ध्यान से देखना। अच्छा रुको रुको, नेक्स्ट पहले पूरा पैराग्राफ एक बार रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट, वेट 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 वेट, मैम कैन आई कौन, अच्छा ठीक है, मैम कैन आई शाश्वत, मैम शाश्वत, देन आफ्टर शाश्वत सिद्धिका विल रीड।
ओके मैम। मैम सिद्धिका ने कर लिया। अच्छा सिद्धिका ने कर लिया, ओके ओके, फिर दोबारा नहीं करेगा। मैम आई कैन, मैम आई कैन, दिशा विल रीड, दिशा दिशा विल रीड, मैम कैन आई, मैम तांजल, आफ्टर शाश्वत दिशा, कैन आई, आफ्टर दिशा तांजल, बस। चलो पहले इसको शाश्वत को पढ़ने दो। हाँ शाश्वत रीड दिस फ्रॉम दिस पैराग्राफ। ऑब्वियसली मैम, कैन वी से फ्रॉम हियर, can we say that there is exactly as many people as the numbers utilized in these news items. For example, in one, where there are exactly 51,000 spectators in the stadium, or did exactly 40 million viewers watch the match on the television? Obviously, okay, stop. Next, okay, Disha. Okay, ma'am. Obviously, not. The word approximately show that the number of people were near about these numbers. Clearly 51,000 could be 50,800 or 51,300, but not 70,000. Similarly, 40 million implies much more than 39 million, but quite less than 41 million, but certainly not certainly million. Certainly. Okay, stop beta. अब ध्यान से देखना बेटा, अब आपको एक चीज इन सारे सेंटेंसेस में एक चीज तो क्लियर हो गई, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। अब जैसे देखो, जब हम लोग मैच देखने जाते हैं तो अब जब वहां सब लोग स्टेडियम में बैठे होंगे तो क्या आप एग्जैक्ट काउंट करके ये बता पाओगे कि कितने लोग बैठे हैं? यस और नो, इज इट पॉसिबल टू काउंट दोस पीपल? नो मैम, नहीं। एक रफ आइडिया लगा, वो लाखों के तौर पे आते हैं। यस यस यस, वो लैक्स में होते हैं। तो वैसे तो नहीं कहा, एक तरफ से वन टू, रोल नंबर वन, रोल नंबर टू, फिर सबको काउंट करेंगे। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट वर्ड कब यूज करना है, जब आप एग्जैक्ट आंसर ना देख करके उसके अप्रोक्सीमेट देते हैं। अप्रोक्सीमेट का मतलब उसके आसपास। तो कहने का मतलब, यदि मान लीजिए बोल रहे कि 51,000 आए थे, जो भी था आपका हॉकी मैच था, उसमें जो व्यूवर्स थे वो 51,000 थे। 51,000 का मतलब कि हो सकता है कि 50,800 हो सकता है कि 50,900 हो सकता है 50,700 हो सकता है 51,400 एंड सो ऑन। बट इसका मतलब ये है कि 51,000 के आसपास होंगे, कंपनी के 1,00,000 होंगे, 1,00,000 नहीं होंगे, कितने होंगे वो 51,000, मतलब 50,000 समथिंग, 50 और 52 के बीच में आसपास कहीं पर होंगे। इज इट क्लियर? तो इस टाइप जैसे आप न्यूज देखते हो कि हो, दूसरा जैसे आपने न्यूज में देखा होगा, अप्रोक्सीमेटली 2,000 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन दिस इंजर्ड इन अ साइक्लोनिक स्टॉर्म। इस टाइप की न्यूज में भी अब लिखा है कि अप्रोक्सीमेटली 2,000 पीपल वर किल्ड, इसका मतलब यानी कि एग्जैक्टली 2,000 पीपल होंगे। हो सकता है कि 1,900 1,980 भी हो सकते हैं, 1,990 हो सकता है, 1,800 एंड सो ऑन, 1,890 एंड सो ऑन, यानी इसके आसपास होंगे। 2,000 से कम भी हो सकते हैं, 2,000 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के केसेस में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? अप्रोक्सीमेटली। और जहां पे अप्रोक्सीमेटली होती है उसी को बोलते हैं एस्टिमेशन, यानी हम एक रफली एस्टिमेट कर लेते हैं। एस्टिमेट मतलब ऐसे सपोज कर लेते हैं कि इसके आसपास होंगे। तो इसी के लिए कुछ रूल्स हैं। यस बेटा, हाँ डाउट है किसी को? मैम जैसे हम लोग टाइम को अप्रोक्सीमेटली बताते हैं, अगर हमारे पास वॉच नहीं है कि 3 से 4। हाँ यस 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 यस, ऐसे बोलते हैं। अच्छा आप गाँव में देखो, जो मतलब दादी वगैरह होती थी, वो सुबह देखी वो थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले लेती थी, 4 बज रहे होंगे करीब करीब, यानी उन्होंने टाइम नहीं देखा, उन्होंने वॉच नहीं देखी, लेकिन एक बाहर का पर्दा खोलेंगी, देखेंगे अच्छा चिड़िया बोलने लगी, थोड़ा सा इतना सा सूरज उगा, या अच्छा अच्छा 4, 5:30 बज रहे होंगे या 5:30 बज रहे होंगे। तो वो भी एक अप्रोक्सीमेट टाइम बताते, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते। तो अप्रोक्स, यस बेटा, मैम एग्जैक्ट, यस बेटा, एनीवन, हाँ, लेकिन अप्रोक्सीमेट वर्ड, अप्रोक्स
मतलब एस्टिमेट हम करते हैं किसी चीज को, जिसको हम राउंडिंग नंबर बोलते हैं, इसका भी कुछ रूल है। तो आज वही रूल आपको मेन हमें डिस्कस करना। आप सबसे आपसे एक क्वेश्चन पहले पूछते, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना, क्वेश्चन ये है, वेट लेट मी चेंज दिस। एक सेकंड बेटा, इसको जरा मैं कॉपी कर लूं। यस, ओके, इज स्क्रीन विजिबल बेटा? यस मैम, यस मैम, इट्स इज विजिबल। यस मैम, स्क्रीन इज विजिबल। यस मैम। ओके बेटा, ओके पिक्चर ऑनलाइन शेयर। चलो आप ध्यान से देखना बेटा। आप सपोज मैं कुछ आपको यहाँ पर, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया 10, ध्यान से देखना 10, यहाँ पर है 20, 10 और 20 के बीच में मैंने नंबर लिखा 11, 12, 13, 14, 15। रूल ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी है। बस आपको रूल समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे। 17, 18, 19, दिस इज 19। अब अच्छे से देखना। अब इसमें यदि देखा जाए, यदि किसी को आपको राउंडिंग करना है नियरेस्ट 10, रूल समझते जाना, नियरेस्ट 10 आपको राउंड करना है। नियरेस्ट 10 का मतलब कि आपका जो आंसर आएगा वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आपसे यदि कोई पूछे 11 है, 11 10 के नियर है, ज्यादा 10 के पास है कि 20 के पास है, किसके पास है ज्यादा? ये 10 के ज्यादा, हाँ 10 के पास है। ओके, एंड 12, 12 के डिस्टेंस देखो, इट इज नियर टू 10 और मोर नियर टू 20? 10 क्लोजर टू 12। ओके, 13, 13 इट इज क्लोजर टू 10 और इट इज क्लोजर टू 20? 10। ऐसे पता, क्योंकि गैप देखो 1, 2, 3 का गैप है, 20 की तरफ जाएंगे तो 7 का गैप है। अब नाउ 14 इज क्लोजर टू 10 और 14 इज क्लोजर टू 20? 14 is closer to 10. Yes. अब 15 का बता, 15 is closer to 10 or closer to 20? Both. It is equidistant from 10 as well as from 2. Equidistant. Equidistant का मतलब दोनों तरफ equal है। Now 16, closer to 20 or closer to 10? 20. Yes. 20. क्योंकि देखो यहाँ पर कितना गैप है, 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 का गैप है, और इधर कितने का गैप है, 6 का गैप है। सिमिलरली 17 क्लोजर टू 20, 18 इज क्लोजर टू 20, 19 इज क्लोजर। अब आप रूल ध्यान से सुनो, यदि क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन आता है राउंड 11 टू नियरेस्ट 10, रूल समझना बेटा। आपका रूल ये है कि यदि किसी नंबर को 10 राउंड करना है, योर वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा। एनी यू ऑल हैव, मैम योर वॉइस इज क्लियर, क्लियर है मैम, आपकी वॉइस आ रही है। यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर है मैम, योर वॉइस इज क्लियर, उनको भी नहीं आ रही। अच्छा रुको, जिसको क्लियर नहीं है बेटा, यू सिंपली रिज्वाइन, लीव दिस मीटिंग एंड रिज्वाइन। अब कुछ लोगों ने अपने आप को अनम्यूट किया, म्यूट करो पहले। देवांश म्यूट बेटा, श्रेया म्यूट। मैम इतने सारे लोगों के माइक खुले रहते हैं कि आवाज एको होती है। यस यस यस, वही वही। श्रेया म्यूट बेटा, श्रेया। मैम माय माइक इज म्यूट। अब म्यूट हुआ है, जरा चेक कर लो इसका म्यूट नहीं। हाँ आप ठीक है, सबने म्यूट कर लिया, आप अच्छे से क्लियर आवाज आएगी। ओके, आप ध्यान से देखना बेटा, यदि क्वेश्चन आता है कि राउंड, अच्छा ये भी ले लो, राउंड 11 टू नियरेस्ट 10, सायरम फिर राउंड 12, राउंड 14, क्या हुआ बाकी लोग बताओ? ज़्यादा क्लियर आ रही है मैम, क्लियर नहीं है बेटा, आप मैम मैंने दोबारा मैम रिजॉइन किया था। आपका बेटा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है,
सिद्धिका यू हैव सम नेटवर्क प्रॉब्लम, किसी और उससे कैमरा ऑफ कर सकते हैं? अरे 100% बेटे यदि आपको, इसीलिए मैंने अपना आज ऑफ करके रखा क्योंकि मुझे भी लग रहा था कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी। कैमरा ऑफ कर लो, जिसको भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो कैमरा ऑफ कर लो, बिल्कुल ऑफ कर लो, नो प्रॉब्लम। इधर देखो तो यदि आपका क्वेश्चन में 11, 12, 13, 14 इन सबको जब नियरेस्ट 10 राउंड करेंगे तो आपका आंसर 11 को भी आंसर आएगा, 10, 12 को भी आंसर आएगा, 10, 13 का भी आंसर आएगा, 10, 14 का भी आंसर आएगा, 10। तो रूल क्या है, यदि आप, अब रूल ध्यान से सुनना बेटा, यदि आपको नियरेस्ट 10 राउंड करने को आएगा आप क्या करोगे कि वंस प्लेस देखना, वंस प्लेस जानते हो ना सब लोग जो फर्स्ट नंबर पे लिखा होता है, तो वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस की डिजिट चेक करोगे। इफ वंस प्लेस डिजिट इज लेस देन 5, खूब अच्छे से सुनना, वंस प्लेस डिजिट इज लेस देन 5 इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, वंस प्लेस को तो जीरो बना देंगे और टेंस प्लेस को एज इट इज कॉपी कर देंगे। आप देखो वन है लेस देन फाइव, इसको बना दिया जीरो और वन को वैसे कॉपी कर दिया। टू है लेस देन फाइव, इसको जीरो बना दिया, उसको वैसे कॉपी कर दिया। थ्री लेस देन फाइव, जीरो बना दिया, उसको वैसे कॉपी कर दिया। फोर लेस देन फाइव, जीरो, उसको वैसे कॉपी कर दिया। अब 21 यदि होता, लेस देन फाइव है, इसको जीरो बना देंगे, टू वैसी कॉपी हो जाएगा। 22 लेस देन फाइव, जीरो बन जाएगा, टू वैसी कॉपी हो जाएगा। 23 सेम, 24 सेम। इतना क्लियर हो गया सबको? कोई भी नंबर ले सकते हो, मान लो मैंने ले लिया 132, इसको नियरेस्ट 10 राउंड करना है। जब नियरेस्ट 10 राउंड करते हैं तो कौन सी डिजिट देखते हैं, वंस प्लेस वाली, उसके जस्ट 10 उसके पहले वाली देखते हैं, उसके पहले वाली, इसका आंसर आ जाएगा 130। मान लो मेरे पास नंबर है 1999, ध्यान से देखना, इसको राउंड करना है नियरेस्ट टेंस। अब आपका टेंस का मतलब ये है इसके पहले, ये तो मैंने अभी दूसरा रूल समझा दिया, रुको मैंने ले लिया 92, अभी तुम्हें पहला रूल, लेस देन फाइव, लेस देन फाइव है तो ये बन जाएगा जीरो, नाइन एज इट इज कॉपी करेंगे। ओके बिल्कुल, ये सबको समझ आ गया रूल, जल्दी बोलो। सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस 16, 17, 18, 19। इफ, अब आपको राउंड करना है नियरेस्ट 10, इफ वंस, 10 का मतलब ये टेंस प्लेस है, उसके पहली वाली डिजिट देखना है, ग्रेटर देन 5 हो यदि, ग्रेटर देन 5, उस केस में ये बन जाएगा जीरो, इसके प्रीवियस डिजिट में 1+ हो जाएगा, 1+1, 2, 20, फिर ग्रेटर देन 5 ये हो जाएगा जीरो और प्रीवियस डिजिट में 1+, ग्रेटर देन 5 इट विल बी जीरो, प्रीवियस में 1+, ग्रेटर देन 5 जीरो, प्रीवियस में 1+। अब ये सिर्फ ग्रेटर देन 5 के लिए नहीं है, मान लो इक्वल्स टू 5, सेम रूल, यदि 5 या 5 से ग्रेटर हो, सेम रूल है, 5 भी होगा इट विल बी जीरो, प्रीवियस में 1+। अब मैं दूसरा नंबर ले लू 25, 5, 0, अब ये इसके प्रीवियस में 1+, 26 ग्रेटर देन 5, यस 30, 27 30, 28, 30, 29, 30, 30, यानी जो भी आंसर आएगा आपको जब नियरेस्ट टेंस राउंड करेंगे वो 10 का मल्टीपल होगा, यूनिट प्लेस जीरो में कन्वर्ट हो जाएगी, यूनिट प्लेस विल बी जीरो, सब में देखो यूनिट प्लेस जीरो होगा यानी 10 का मल्टीपल मिल जाएगा। अब मैं एक से क्वेश्चन पूछ रही, ध्यान से सुनो, मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया 2999, इसको राउंड करना है नियरेस्ट टेंस, क्या आंसर आएगा? मैम क्या नहीं, मैम बोलो बोलो मैम 3990, आप देख के चलो चेक करते हैं 3990, लेट मी चेक, दिस इज ग्रेटर देन 5, जीरो हो जाएगा मैम 3990, इसमें 1 प्लस किया, 1 प्लस किया तो जीरो हो गया, 1 प्लस 399 आ रहा है आपका आंसर मैम, नहीं 3990
देखो मैंने रूल क्या बताया था कि ये 5 से ग्रेटर है तो 0 बन जाएगा, इसके प्रीवियस 1 हो जाएगा, तो 299 में आप 1 को प्लस करो, आंसर है 1. मैम 300 प्लस हो जाएगा, क्या आएगा मैम 3000 yes. 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 अब देखो यदि सुनो ध्यान से, यहाँ 5 होता सेम आंसर आता, 6 होता सेम आंसर, 7 सेम आंसर. यस बेटा मैम, लेकिन अगर हमारे पास 5 से कम 5 से छोटा नंबर आता तो हम क्या करते फिर? 2994 अब 5 से लेस है तो ये बन जाएगा 0. ये बन जीरो, इसमें कोई 2 वैसे कॉपी कर 7 तक ये सेम आंसर होता है ना. यस बेटा मैम, मैम जो नंबर 5 से छोटा है तो उसको हमें 0 बना देना है. हाँ, उसको 0 बना देंगे और उसके प्रीवियस एज इट इज कॉपी कर देंगे. क्लियर मैम? मैम 7 के जो वो रहता है वो उसका सेम ही आंसर आता है. मैम अगर 4 के साइड में अभी 99 है, अगर 4 के साइड में 43 ऐसे होते तो तब भी हम 0 ही लगाते. क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो, टू क्वेश्चन बोलो. मैम 4 के साइड में अभी 99 है, अगर 44 ही होते तो हम वापस 0 लगाते. तो ये 4-4 ऐसा होता? हाँ. तब देखो हमें तो इसको नियरेस्ट हमें टेंस राउंड करना, रूल देखना बेटा, नियरेस्ट हमें टेंस राउंड करना, तो नियरेस्ट टेंस राउंड करना तो आपको सिर्फ वंस प्लेस डिजिट से मतलब है, बाकी कुछ भी मतलब नहीं है. वंस प्लेस डिजिट यदि आपका 5 से लेस है, 5 से लेस का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. इन चारों केसेस में ये बन जाएगा 0. 4 होगा तो 0, 1 होगा तो 0, 2 होगा तो 0, 3 होगा तो 0. ये 0 बन जाएगा और इसके प्रीवियस एज इट इज कॉपी कर देंगे. 294 होगा तो 294 लिख देंगे. क्लियर? बट यदि आपकी ये डिजिट 294, ये डिजिट 5 हो या ये डिजिट 6 हो या ये डिजिट 7 हो या ये डिजिट 8 हो या ये डिजिट 9 हो, कुछ भी हो सकता है, हर केस में ये बन जाएगा 0. 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, हर केस में 0 बन जाएगा. प्रीवियस में 1 प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 9 2, ये आंसर आ जाएगा. तो 2945 का भी आंसर, 2946 का भी आंसर, 2947 होगा तो भी आंसर, 2948 सेम आंसर, 2949 सेम आंसर. क्लियर? यस यस. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा नियरेस्ट टेंस. अब नेक्स्ट रूल देखना, यदि क्वेश्चन में आता है नियरेस्ट 100 आपको राउंड करना है. नियरेस्ट 100 का मतलब पहले आप प्रैक्टिकली एक चीज बता देती हूँ आपको. प्रैक्टिकली मैंने आपको ऐसे समझाया, मान लो एक है 100, ध्यान से देखना, और दूसरा है 200. 100 और 200 के बीच में सेंटर में कहीं पे 150 आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो. फिर इसके बाद 151 से लेकर के 199 तक होंगे नंबर. ठीक है. अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, 100 और 150 के बीच में कितने नंबर होंगे? 100 और 49 नंबर. यस, तो ये 49 नंबर्स यहाँ पे होंगे, ये हो गए 49 नंबर्स. एक 150 तो है ही हमारा एक नंबर. अब 151 से 199 तक कितने नंबर्स होंगे? 151 से 199 तक है ना मैम अगेन 49. कितने होंगे? 49 होंगे मैम. अब इसका मतलब ये हुआ, प्रैक्टिकली देखना बेटा, इधर है 100,
बीच में है 150, लास्ट में है 200. इसका मतलब कि 150 के पहले जितने नंबर्स हैं 149 और इधर 101, ये सारे राउंड हो करके आप बताओ ये किसके क्लोज है, 100 के क्लोज है कि 200 के क्लोज है, ये सारे नंबर 150 हमारा सेंटर पे, तो सेंटर नंबर हो गया. सेंटर के इधर वाले 100 से क्लोज होंगे और 150 के बाद वाले सारे नंबर किसके क्लोज होंगे, 200 के. करेक्ट, 200 के क्लोज. अब इसको प्रैक्टिकली समझना, मान लो मेरे पास नंबर है 101, इसको राउंड करना है मुझे नियरेस्ट 100. रूल समझना बेटा, 100 राउंड करना, नियरेस्ट 100 मतलब 1, 10, 100, ये है ये इसके नियरेस्ट. अब जब 100 के नियरेस्ट राउंड करेंगे तो हमें 10 स्पेस डिजिट देखना होता है. जब 10 के नियरेस्ट राउंड करते हैं तो 1 स्पेस देते हैं. रूल क्या है, जिसके नियरेस्ट राउंड करना उसके पहले वाली डिजिट आपको देखना. तो नियरेस्ट 100 राउंड करेंगे, 100 के पहले कौन सी डिजिट होगी, 10 या 1? 10 और 1? 10. जब नियरेस्ट 100 राउंड करने को आएगा तब आप कौन सी डिजिट देखोगे, 10th प्लेस की डिजिट देखना. अब 10th प्लेस की डिजिट में सेम रूल है, यदि लेस देन 5 है. अब 0 लेस देन 5 है कि ग्रेटर देन 5 है, लेस देन 5. तो इफ इट मींस इफ यू हैव टू राउंड नियरेस्ट 100 देन यू हैव टू सी व्हिच डिजिट, द डिजिट व्हिच इज एट 10th प्लेस. If this digit is less than 5, यदि ये 5 से less होगी तो ये बन जाएगी 0, और इसके आगे वाला भी 0 बन जाएगा, दोनों 0 बन जाएंगे, ये और खुद आगे वाले 0 बन जाएंगे, और इसके पहले में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर आ गया 100. फिर नेक्स्ट आप देख लो, मान लो इसके बीच में मैंने 149 ले लिया, चलो इसको राउंड करना है. अब 149 को नियरेस्ट 100 राउंड करना है, आप कौन सी प्लेस की डिजिट देखोगे, 10th या 1? यदि ये लेस देन 5 होगी तो ये आएगी 0, ये बन गई 0, और आगे सबको 0 बना देगी, आगे वाली चाहे वो ग्रेटर देन 5 हो चाहे लेस देन 5 हो, सबको 0 बना देगी. तो आगे वाली 0 हो गई. अब प्रीवियस इसके पहले वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका आंसर 100 आएगा. इसका मतलब इसका मतलब 101 से 149 तक कोई भी नंबर हो, जितने भी नंबर्स आएंगे 49 नंबर, सबको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आंसर आएगा 100. क्लियर, यस और नो? यस मैम, क्लियर. अब आगे मैं ले रही हूँ 150 से शुरू कर रही हूँ, 150 से लेके 199 तक देखना क्या आंसर आएगा. अब 150 को राउंड करना, हमें देखना है 10th प्लेस डिजिट. 10th प्लेस डिजिट चेक करो, 5 से लेस है कि 5 के इक्वल है कि 5 के ग्रेटर है. मैम 5 से इक्वल है. इक्वल, मैंने रूल क्या बताया था, इफ डिजिट इज 5 और ग्रेटर देन 5, दोनों के केस में 5 होगा तो ये 0 बन जाएगा, इसके आगे वाला भी 0 बन जाएगा, प्रीवियस में 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, आंसर आ गया 200. करेक्ट, सब में 200 आंसर आएगा. सब में 200 आएगा, या कोई भी नंबर ले लो. मैंने बीच में 162 ले लिया, देखो एक 172 और बीच में ले लिया, सबका देखते हैं. ये नंबर है 5 से ग्रेटर, ये बन जाएगा 0, आगे वाला बन जाएगा 0, अब प्रीवियस में 1 प्लस हो गया तो 200 आ गया. यहाँ देखो 7 है 5 से ग्रेटर, 0 आगे वाला 0, प्रीवियस में 1 प्लस. इसको देखो ये नंबर है डिजिट 5 से ग्रेटर, ये बन जाएगा 0, आगे वाला 0, प्रीवियस 1 प्लस, सबका आंसर 200 आएगा. करेक्ट, यस मैम, यस मैम, इट्स करेक्ट, यस मैम, करेक्ट. क्लियर हो गया सबको, क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस मैम, यस मैम. नेक्स्ट रूल, मुझे एक डाउट है. यस बेटा पूछो. मैम मुझे जो 150 के ऊपर वाले हैं ना, उनको एक बार आप और बता दीजिए, 100 वाले जो है 150 के ऊपर. ओके 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 ओके, चलो मैंने लिया स्टार्ट किया 150,
एक ले लिया मैंने 161, और बोलो चलो कुछ भी नंबर बोलो, और बोलो 200 के अंदर अंदर और क्या लूं, 1 बोलो मैम 50 के ऊपर वाले मतलब 186 जिसको डाउट उसको बोलो। हाँ बोलो बेटा मैम मुझे वो 150 वाले के ऊपर वाले मतलब 120, 110 ये वाले समझ नहीं आए थे, तो लेस देन से लेस नंबर है ना, 150 से लेस नंबर, तो 150 से लेस में 120, 131, 138, 142 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया तांजिल, यही नंबर चाहिए तांजिल। बस कुछ नहीं, देखो आपको राउंड करना है नियरेस्ट 100। रूल ये है कि रूल सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जिसके नियरेस्ट राउंड करना हो उसकी प्रीवियस डिजिट जो आगे लिखा होता है उस डिजिट को चेक करना है। तो 1, 10, 100, 100 के नियरेस्ट राउंड करना, उसके आगे है टेंस वाली डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट को चेक करेंगे। इफ दिस डिजिट इज लेस देन 5, यदि लेस देन 5 होगी तो वो नंबर बन जाएगी, ये डिजिट बन जाएगी 0, आगे सब 0 बना देगी, आगे की डिजिट 5 है, इससे लेस है कि 5 से ग्रेटर है कोई फर्क नहीं पड़ता, सब 0 बना देगी, यानी टेंस प्लेस भी जीरो हो जाएगी, वंस प्लेस भी जीरो हो जाएगी, और इसके प्रीवियस 100 प्लेस में कोई नहीं। यहाँ भी देख लो, लेस देन 5 ये जीरो, आगे भी जीरो, प्रीवियस नो चेंज, लेस देन 5 जीरो, आगे जीरो, प्रीवियस नो चेंज, ये लेस देन 5 जीरो, आगे जीरो, प्रीवियस नो चेंज। रूल समझ में आ गया अब तो मैम? नेक्स्ट रूल सुनो बेटा, 100 से लेके 149 तक जो भी नंबर आएगा उसका आंसर तो 100 ही होगा। यस 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 बिल्कुल बिल्कुल, और 150 से लेके आगे जितने भी होंगे उनका आंसर 200 होगा। yes. ठीक है मैम, ऐसे अगर हमारे पास 350 आया तो 350 के आगे के हमेशा 400 होंगे, 350 के नीचे। यस 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 बिल्कुल बिल्कुल नेट से भी आप कर सकते हो। अब देखो थाउजेंड्स में बताती हूँ, थाउजेंड का भी रूल सेम है, मैंने लिखा 2, 3, 4, 5, अब थाउजेंड्स प्लेस में कौन सी डिजिट है बताओ, थाउजेंड प्लेस में कौन सी डिजिट दिख रही है आपको यदि नियरेस्ट 1000 आएगा तो आप किस डिजिट को देखोगे, क्या बताया मैंने रूल? 300। यस, जिसके नियरेस्ट राउंड करते उसके पहले वाली डिजिट देखना, यानी नियरेस्ट 1000 तो आप 100 प्लेस डिजिट देखोगे, 100 प्लेस डिजिट इज लेस देन 5, ये बन जाएगी 0, आगे की सब 0 हो गई, इसमें नो चेंज, आंसर आ गया 2000। क्लियर 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 मैम, क्लियर क्लियर। अब यही यदि होता 2, 8, 4, 5 नियरेस्ट 1000, हम 100 प्लेस आगे डिजिट देखेंगे, ग्रेटर देन 5, 0, 0, इसके यस, इसके प्रीवियस 1+3000। रूल समझ आ गया बेटा? यस मैम, यस मैम आ गया। अब आ जाओ आप 855 वाला वापस से समझा दीजिए। ये हमारा 2845, आपको राउंड करना नियरेस्ट 1000 प्लेस में, कौन सी? बाकी लोग बताओ। नहीं हुई मैम एकदम। नो मैम, आपकी स्क्रीन फ्रीज नहीं है मैम, आपकी स्क्रीन फ्रीज है मैम, आपकी स्क्रीन फ्रीज है। नो मैम, आपकी स्क्रीन फ्रीज नहीं है मैम, आप जो वो मैम आपकी स्क्रीन नहीं है और मैम आपकी वॉइस भी थोड़ी अजीब सी आ रही है, मैंने बहुत देर से नहीं कहा आपसे। चलो ये मैंने क्या लिखा, कौन बता रही है? मैम थ्री लिखा है आपने, थ्री मृदुल, आवाज तुम्हारी बिल्कुल मृदुल नहीं लिखा, करेक्ट फ्रीज नहीं, सिद्धिका तुम्हारी प्रॉब्लम है बेटा। मैम
सिद्धिका इट्स योर प्रॉब्लम बेटा. मैम आपको जितनी देर से मूवमेंट नहीं कर रही थी इसलिए उनको ऐसा लग रहा था स्क्रीन फ्रीज है. हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही सिद्धिका आपकी प्रॉब्लम बेटा. हाँ बेटा आपके उसमें नेटवर्क में प्रॉब्लम है. चलो मैंने आपको रूल दे दिया नेट से अच्छे से देख लेना. अब आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ रुक जाओ फटाफट क्योंकि टाइम हो गया है. वेट अब आप ये वाली एक्सरसाइज इसमें कुछ चेंजेस करा रही हूँ मैं रुको एक्सरसाइज में. देखो ध्यान से इसमें जनरल रूल नहीं है इसका क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करो बेटा. सब लोग एक्सरसाइज में देखो क्या लिखोगे. एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यू बाई यहाँ पे चेंज कर रही हूँ बाई राउंडिंग नोट कर लो क्वेश्चन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस. आपको इन सबको नियरेस्ट टेंस राउंड करोगे और इसके बाद इनको प्लस करोगे. मैं एक पार्ट समझा देती हूँ जल्दी से. इन सबको पहले नियरेस्ट टेंस राउंड करोगे कैसे. फर्स्ट पार्ट देखो 7:30 + 9:08 इसको एम आई ऑडिबल बेटा. यस मैम योर ऑडिबल एंड योर स्क्रीन इज करेक्ट. हाँ ठीक है बेटा. देखो जनरल रूल को मैंने हटा दिया क्योंकि जनरल रूल मैंने अभी आपको समझाया नहीं टेस्ट के वेकेशन की बात समझाऊंगी. तो अब आप इसको क्वेश्चन को चेंज कर लेना एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस. अब आप क्या करोगे फर्स्ट पार्ट मान लो सॉल्यूशन आप लिखोगे व्हेन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस देन 7:30 क्या बन जाएगा क्या रहेगा 7:30 आप बताओ. 700 टेंस राउंड कर रहे हैं बेटा किस डिजिट को देखोगे. मैम 0 जिसने बताया उसने सही बताया. टेंस में जब राउंड करेंगे तो उसके पहले वाली डिजिट देखेंगे तो उसके पहले 0 है ऑलरेडी लेस देन 5 है तो 0 हो जाएगी प्रीवियस नो चेंज सेम आंसर रहेगा 9 9 8 नो बेटा मैंने क्या बोला नियरेस्ट टेंस जब करते हैं तो आप देखोगे वंस प्लेस डिजिट इफ लेस देन 5 यदि लेस देन 5 होगा तो ये बन जाएगा 0 बट ये पहले से 0 है लेस देन 5 है ये तो 0 हो जाएगा. अब प्रीवियस में नो चेंज है तो 3 में नो चेंज रहेगा और उसके प्रीवियस में नो चेंज 7:30 रहेगा. यहाँ देखो ग्रेटर ये हो जाएगा ये 1000 क्लियर हो गया कैसे आया 1000 इज इट क्लियर. यस मैम क्लियर. इन दोनों का सम निकालना. नाउ सम इज इक्वल टू अब जो आपने राउंड किया इसका प्लस करोगे 7:30 + 1730 इसका आंसर आप पीछे क्वेश्चन चेंज कर देते क्वेश्चन को आप फर्स्ट पार्ट में ऐसे करोगे पहले नियरेस्ट टेंस राउंड करोगे फिर प्लस होगा तो प्लस करोगे माइनस होगा तो माइनस करोगे. समझ में आ गया सबको क्लियर. यस मैम. यस मैम. अब आप देखो सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से म्यूट कर लो बेटा कोई अनम्यूट है. सेकंड क्वेश्चन में बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 बिल्कुल वैसी 100 से करना पहले इसको नियरेस्ट 100 इसको नियरेस्ट 100 इसको नियरेस्ट 100 जैसे मैंने ये किया इसके बाद तीनों को करने का प्लस कर देना ये बन जाएगा 3 आगे वाला बन जाएगा 0 प्रीवियस में कोई चेंज आएगा क्या. नो मैम. No,
देखो इफ यू वॉन्ट टू राउंड दिस नंबर टू द नियरेस्ट हंड्रेड, हंड्रेड मीन्स यू विल हैव टू चेक विच डिजिट टेंस प्लेस डिजिट. टेंस प्लेस डिजिट में क्या है आपका थ्री, लेस देन फाइव. लेस देन फाइव का मैंने क्या रूल बताया था, टेंस प्लेस डिजिट देखेंगे. अच्छा ये जीरो हो जाएगा, मैम जीरो आ जाएगा. यस ये थ्री बन जाएगा जीरो, ये बन जाएगा जीरो. प्रीवियस डिजिट नो चेंज, 108700. करेक्ट करेक्ट. यस मैम. यस यहाँ देख करेक्ट. यहाँ पे टेंस प्लेस डिजिट क्या है, नाइन ग्रेटर देन फाइव, तो ये नाइन बन जाएगा जीरो. आगे वाला हो गया जीरो, प्रीवियस में वन प्लस, इट विल बी सिक्स और फोर सेवन वैसी रहेगा. करेक्ट चेक करो. यस बेटा. यस मैम. यस मैम. इसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना. मैम अभी आप एक अपने वन से नंबर दे दीजिए. अच्छा आप देखो मान लो, रुको बेटा, मान लो नंबर है आपका थ्री फोर फाइव सिक्स एट, इसको राउंड करना है नियरेस्ट हंड्रेड. नियरेस्ट हंड्रेड राउंड करेंगे तो आप टेंस प्लेस डिजिट देखोगे. टेंस प्लेस डिजिट इज ग्रेटर देन फाइव, ग्रेटर देन फाइव तो ये बन जाएगी जीरो, आगे वाले भी जीरो, प्रीवियस में वन प्लस, तो सिक्स थ्री फोर सिक्स जीरो जीरो. क्लियर? यस मैम. अब लास्ट क्वेश्चन चेंज कर लो. लास्ट क्वेश्चन में आप कर लो चेंज. रुको. एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इसको काट दो बाय यूजिंग जनरल, लिखो बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड, इसको भी नियरेस्ट हंड्रेड कर लो. क्लियर? इसको भी पहले नियरेस्ट हंड्रेड करना, मल्टीप्लाई. बस ये आपका होमवर्क है. अब आप क्या करोगे हॉलीडे होमवर्क में, पूरे ये फर्स्ट चैप्टर एक तो आपको करना है, यस रोमन नंबर, एंड यू हैव टू कंप्लीट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइजेस. ओके यस मैम. ओके ओके साइरम बेटा, ली वन बाय वन. साइरम मैम. ओके मैम. थैंक यू. बाय बाय. एंजॉय योर साइरम मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. ओके मैम. साइरम. ओके मैम. Sairam ma'am. Thank you ma'am. Bye ma'am.